श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर एक बार फिर गरियाबंद जिले के छुरा नगर के एक बहुत ही होनहार कलमवीर साथी हमारे उमेश राजपूत जी का 2011 में हत्या हो गई थी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्ष बीतने के बाद भी अब तक उमेश राजपूत जी के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाया है, ना ही मृत आत्मा को अब तक न्याय मिल पाया है। आज 23 जनवरी को हम सब पत्रकार यहाँ पर उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। साथ ही हम मांग करना चाहेंगे कि इस मामले में देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI जांच कर रही है, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी, 7वां साल यह लग रहा है, उसके बाद भी जो है आज तक असल गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया है। हमारे पत्रकार साथियों की ओर से हमारी मांग है प्रशासन से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, कि CBI इस मामले को जल्द खुलासा करे और जो असल गुनाहगार है और इसके पीछे जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, मृत आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ समझे जाने वाले पत्रकार को आज तक न्याय नहीं मिल पाने की बात को दुर्भाग्यजनक बताते हुए इस मामले में त्वरित न्याय की मांग की है। आज इस घटना को 11 साल बीत गए और 11 साल बाद भी इसमें न्याय नहीं मिल पाना दुर्भाग्य की बात है। हम अगर ग्रेजुएट नियमों की बात करें तो उसमें कुछ प्रभावशील लोगों के द्वारा सुपारी लेकर हत्या कराने की बात सामने आई थी। आखिर ये कौन प्रभावशील लोग हैं जो कि घटना के 11 साल बाद भी और देश की CBI जैसे हर जगह जांच एजेंसी उन तक नहीं पहुंच पाई। और ये जो घटना है इसमें अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे घटना में बड़ी सुनवाई या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों का जुडिशियल और लॉ के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। हम आज भी आशा है कि न्यायपालिका से शायद हमें आज ही न्याय मिल पाए।